आज हम बात कर रहे हैं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर की। GTL इंफ्रा में आज हमें लोअर सर्किट देखने को मिला, तो इस गिरावट के पीछे वजह क्या है, क्यों स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हुई जबकि लगातार अपर सर्किट लग रहे थे, तो क्या अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा और गिरावट होने वाली है या फिर स्टॉक में अपर सर्किट लगने वाला है। तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो क्या इशारा करती है उसको भी डिस्कस करेंगे, और क्या इस छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में GTL इंफ्रा एक बड़ा मल्टीबैगर बन जाएगा, जो आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना बढ़ सकता है, यानी 100 के टारगेट दिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। तो असली में क्या होने वाला है, क्या वाकई में ये छोटा सा पेनी स्टॉक कमाल करने वाला है या फिर इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से लगातार 1.5 रुपये के ऊपर स्टॉक जाता नहीं है, फिर से लोअर सर्किट लग जाता है, नीचे की तरफ आता है, फिर 1 रुपीज़ के आसपास से स्टॉक में फिर से करंट आता है। तो क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, क्या हमें शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाने चाहिए या इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना चाहिए, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ टावर सेक्टर के लिए भी कुछ संभावनाएं पॉजिटिव बन रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में एक जो बड़ा फैसला है, अगर वो हो जाता है तो GTL इंफ्रा का पूरा भविष्य ही पलट सकता है, तो क्या है वो फैसला उसको भी डिस्कस करेंगे। और ये छोटे से पेनी स्टॉक के बारे में क्या संभावना है, क्या हमें इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाने चाहिए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। GTL इंफ्रा की बात करें तो आज सुबह सुबह यहाँ पे अपर सर्किट में शुरुआत हुई, लेकिन जल्द ही यहाँ पे बड़ा हैवी सेलिंग शुरू हुआ और इस वजह से यहाँ पे लोअर सर्किट लगा। आज बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और ये जो वॉल्यूम हुआ, इस भारी वॉल्यूम के माध्यम से बड़े फंड हाउस ने जो बिकवाली किया, इसकी वजह से यहाँ पे आपको लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। अब किसने माल बेचा वो भी आगे डिस्कस करेंगे हम। अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो आज NSE में करीब 10 करोड़ 34 लाख का वॉल्यूम हुआ, सामने 5 करोड़ 94 लाख की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 57.52% है। अगर हम GTL के वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, और कल 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है वॉल्यूम में, और ये जो वॉल्यूम बढ़ा है इसके पीछे वजह है कि बड़े फंड हाउस ने आज बड़ी बिकवाली की है। गौर करने वाली बात यह है कि जल्द ही यानी कुछ समय में ही अपर सर्किट लग गया, उसके बावजूद भी बहुत ही भारी वॉल्यूम हुआ। गिरावट के पीछे जो असली वजह वो ये है कि कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया गया था बड़े फंड हाउस के द्वारा और वही आज बेचा गया है, क्योंकि उन लोगों की खरीदारी लगभग 1 रुपीज़ 10 पैसे और 1 रुपीज़ 15 पैसे के आसपास की थी, और जब 1.5 रुपये हो गया तो कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। और ये मैंने बार बार आपको बात बोली है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जल्दी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं, और बिल्कुल वही हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाजार खुलते ही 9:21 पर 1.50 की प्राइस, यानी अपर सर्किट में करीब 1 करोड़ 25 लाख शेयरों की एक बहुत बड़ी बिकवाली हुई, और यही वजह है कि यहाँ पे लोअर सर्किट की संभावना बनने लगी। फिर आप देख सकते हो कि 9:27 पर करीब 1.45 की प्राइस से यहाँ पे आपको 50 लाख शेयरों की एक बड़ी डील होती हुई दिखाई दी, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी वजह से दबाव बनना शुरू हो गया। उसके बाद में 10:26 पर 1.40 की प्राइस से यहाँ पे करीब 52 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई, और उसके बाद में 10:27 पर 1.40 की प्राइस से ही 70 लाख शेयरों की एक और डील हुई। उसके बाद आप देखोगे तो 10:32 पर 1.40 की प्राइस से 62 लाख शेयरों की एक डील हुई। आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी डील हुई, और बड़े इस डील के माध्यम से जो माल बेचा गया इसकी वजह से लोअर सर्किट लगा। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये जो इन्वेस्टर है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है जिनकी खरीदारी काफ़ी नीचे थी, और कम समय में आप देख सकते हो कि 20 से 15 दिन के अंदर इन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न कमाया और इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से अपर सर्किट की संभावना भी बनने वाली है। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी खबर निकल के आ रही, काफ़ी लोग जो कह रहे क्या GTL इंफ्रा 5G के लिए तैयार है, तो बिल्कुल 5G के लिए GTL इंफ्रा तैयार है, और ये इनकी वेबसाइट पर मेंशन हो रहा है कि 5G के लिए भी हम तैयार है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि 2G 3G 4G सर्विस हम दे रहे हैं, और फ्यूचरिस्टिक 5G के लिए भी हम तैयार हो चुके, हमारे पास 26,000 टेलीकॉम टावर है जिनके द्वारा ये सर्विस दी जाएगी। और जैसे कि आपको पता होगा टोटल 22 सर्कल में कंपनी काम करती है, और अब जैसे कि फाइबर केबल बिछाने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि हर टावर को फाइबर केबल के माध्यम से कनेक्ट करना होगा तभी वो 5G के लिए तैयार हो पाएंगे। कंपनी की बात करें तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग का काम करती है, यानी जितनी भी टेलीकॉम कंपनियाँ चाहे वोडाफोन हो, BSNL, आइडिया, उन सबको अपने टेलीकॉम टावर के माध्यम से वो सर्विस प्रोवाइड करती है।
GTL Infra का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि कंपनी ने ऐसी जगह पे टावर इस्टेब्लिश किए जहाँ पे दूसरी कंपनियों के टावर है नहीं, यानी जैसे बहुत जगह पहाड़ी एरिया है ऐसी जगह पे जहाँ पे दूसरी कंपनी अभी तक नहीं पहुँची, वहाँ पे इन्होंने टावर लगा दिए और इसी वजह से इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में इन नई कंपनी या जो भी आएगी उनको भी इनके साथ में टावर शेयरिंग करना ही होगा। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी सिर्फ टावर सर्विस प्रोवाइड नहीं करती बल्कि उनके कस्टमर्स के लिए एनर्जी का व्यवस्था भी करती है, यानी वो कंपनी चाहे तो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से भी उनको बिजली की व्यवस्था करके दी जाती है या फिर जो परंपरागत ऊर्जा उसके माध्यम से भी की जाती है, साथ में स्टोरेज फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है। कुल मिला के एनर्जी मैनेजमेंट किया जाता है कंपनी के द्वारा और इसी वजह से जो सारी कंपनियां बड़ी टेलीकॉम कंपनियां वो इनके साथ में काम करना पसंद करती है क्योंकि सीधा इनके लिए सारा का सारा सेटअप करके तैयारी करके देने का काम GTL Infra करती है। बहुत ही पुरानी कंपनी है। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी नए टावर को खड़ा करना उसमें बहुत समय लग जाता है और वो सर्विस इस्टेब्लिश करने में, लेकिन यहाँ पे सब कुछ रेडी है, जल्द से जल्द सर्विस आगे पहुँचाई जा सकती है और इसी वजह से यहाँ पे इनके टावर के ऊपर 5G की सर्विस जल्दी से जल्दी हर कंपनी लेना चाहेगी और इसी वजह से 5G आने की वजह से इस कंपनी का भविष्य बदलने की तैयारी हो चुकी है। कंपनी के मार्च क्वार्टर और एनुअल रिजल्ट को एक बार हम डिस्कस अगर करें तो जो मार्च क्वार्टर में इनकी टोटल नेट प्रॉफिट रही थी वो 8,534 मिलियन की माइनस थी, ये ध्यान रखना आपको, ये लॉस है कंपनी का। और जो एनुअल इनकी नेट प्रॉफिट है वो 14,746 माइनस में है मिलियन, तो आप देख सकते हो कि फिलहाल कंपनी को लॉस है। अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो क्वार्टर फोर में कंपनी को करीब 1,238.50 मिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला था और एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 4,258 मिलियन का है, तो आप देख सकते हो कि कंपनी को कारोबार में तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन जो दूसरे उनके खर्च है वो इतने इनके ऊपर हावी हो चुके हैं कि उसकी वजह से कंपनी को लॉस हो रहा है। यहाँ पे नेट सेल की बात करें तो मार्च क्वार्टर में 3,662 मिलियन था और इनका एनुअल जो सेल है वो 14,627 मिलियन का था, तो आप देख सकते हो कि सेहत तो अच्छी है कंपनी का, कारोबार आगे चल रहा है। अब यहाँ पे जो इनके लिए सबसे बड़ी टेंशन है कि जो टावर कंपनियों को बिजली मुहैया की जाती है, जो उनको प्रोवाइड किया जाता है एनर्जी, उसके लिए जो चार्ज लगता है वो एक कमर्शियल चार्ज है वही लगता है, जबकि यहाँ पे इन कंपनियों का कहना है कि ये एक इंडस्ट्रीज है टेलीकॉम टेक सेक्टर, तो इनके ऊपर भी वो चार्ज लगने चाहिए जो एक इंडस्ट्रीज़ को लगते हैं। एक तो उनके लिए 24 आवर्स बिजली अवेलेबल भी होती है, ऊपर से कम 1.5 से 2 रुपये पर यूनिट उनको कम चार्ज में बिजली मिलती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन है दीपा, उनकी तरफ से सरकार से कहा गया है कि इन टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो चार्ज लागू होते हैं वही लागू किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में इन कंपनियों का बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, पर यूनिट 1.5 से 2 रुपये यानी बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है और इसीलिए ये कंपनियाँ सर्वाइव भी कर जाएगी। तो ऐसे में सरकार जिस तरह से राहत के द्वार खोले हो तो ये बात भी मानी जा सकती है और इस वजह से आने वाले समय में बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि वैसे जो डिस्कॉम वगैरह है वो भी चाहते हैं कि इनके लिए इंडस्ट्रीज़ का ही चार्ज लगाया जाए, तो किसी का ऑब्जेक्शन फिलहाल है नहीं। यहाँ पे देखें तो कंपनी का रिवेन्यू तो लगातार बन ही रहा है, मार्च 2021 में 371 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था, जून 2021 में 362 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, सेप्टेम्बर 2021 में 364 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, दिसंबर 2021 में 371 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू और मार्च 2022 में 366 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू। आप देख सकते हो कि लगातार एक जैसा ही रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो चिंता की बात नहीं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है इनके लॉस में जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस बार। मार्च क्वार्टर की बात करें तो 2021 मार्च में 683 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस था, दो जून 2021 में लॉस घटके 217 करोड़ रुपये तक पहुंचा, सितंबर आते थे इनका लॉस घटके और 207 करोड़ रुपये तक रह गया और दिसंबर 2021 में इनका लॉस 197 करोड़ रुपये तक पहुंचा। यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि लगातार लॉस कम होता है, लेकिन मार्च 22 में देखें तो फिर बड़ा लॉस हो गया, यानी 853 करोड़ रुपये का, और इसी वजह से प्राइस में भी बहुत दबाव दिखाई दिया। इस बार अपेक्षा करते हैं कि रिजल्ट कुछ पॉजिटिव होगा तो फिर यहाँ से तेजी की संभावना बन सकती है, तो रिस्क के साथ दाव लगाया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, मैंने बार बार कहा है ये कंपनी इतनी रिस्की है कि हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट डूबा भी दे, और जिस तरह से कंपनी के लिए 5G की जो अपॉर्चुनिटी निकल के आए उसके हिसाब से लगता है कि हो सकता है आपके लिए एक बड़ा मल्टीबैगर भी साबित हो, तो रिस्क के साथ थोड़ा निवेश करें। आने वाले समय या तो आपका निवेश है वो कई गुना बढ़ सकता है या आपका निवेश डूब भी सकता है, तो ये इसमें तो सीधे क्लियरली है कि आपको रिस्क के ऊपर ही निवेश करना चाहिए, लेकिन कुछ संभावना दिख रही है पॉजिटिव जिसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है तो आपको 1.20 रुपये के आसपास खरीदारी करनी चाहिए और 1.5 रुपये के पहले बिकवाली करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बने रहे, अभी एक दो और लोअर सर्किट लग सकते हैं, उसके बाद फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। अब हम एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट कंटिन्यूज रहती है तो 1.22 का फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, ये सपोर्ट भी टूट गया तो 1.08 तक स्टॉक जा सकता है,
और इसके नीचे गया तो फिर 1.02 तक जा सकता है। अच्छी बात यह है कि बड़ी गिरावट में भी 1 से नीचे जाने की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 1.42 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है और सेकेंड जो रेजिस्टेंस है वो 1.48 का निकल के आ रहा है, और उसके ऊपर गया तो फिर 1.62 तक जा सकता है। तो वैसे तो आज 1.50 तक जाके आया है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बना तो 1.60 के ऊपर भी जा सकता है और तेज़ी में ये 2 रुपये को भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन फिलहाल ये अभी 1.50 से नीचे वापस आ रहा है क्योंकि वहाँ पे दबाव बन रहा है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं, थोड़ा सा निवेश कम रखें क्योंकि रिस्की स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वाइड ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।